For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. सोमी आपसे जानना चाहेंगे, फाइनली आप मुजफ्फरपुर होके आ गई. दीपक श्रीशांत आपने काफ़ी धमाल किया जो इंस्टा लाइव हुआ उसमें भी हमने बहुत कुछ देखा और सुना. एंड जो आप लोगों ने धमाल किया वो तो खैर जनता देख ही रही. सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बिहार पटना मुजफ्फरपुर जाने का. फर्स्ट टाइम गई थी मैं वहाँ पर और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतना प्यार देते हैं. दे आर लाइक इतनी एनर्जी थी वहाँ के माहौल में. जिस इवेंट को मैं अटेंड करने गई थी वहाँ पे, वहाँ का क्राउड इतना अच्छा था. सबने बहुत ही जोश के साथ मेरा स्वागत किया वहाँ पे और श्रीशांत दीपक और मैंने काफ़ी धमाल मचाया है जो आप सबने देखा भी है. सेम चीज़ें वही हो रही हैं बट उसमें अब आप और रोमिल नहीं हैं. अब श्रीशांत एंड दीपिका की बारी है. लाइक उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, क्यों, क्या चल रहा है ये? सी, ये उनका पर्सनल मैटर है, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं. पर मैं ये कहना चाहूँगी दीपिका हो या श्री, बहुत अच्छे इंसान है दोनों, स्पेशली श्रीशांत. जब मैं उनके साथ दो दिन वहाँ पर थी इवेंट पर और उनका बिहेवियर दूसरों के प्रति, वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही केयरिंग एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है. वो अपने हर फैंस को बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोगों को. मतलब वहाँ पे वो गए इतना लंबा सफ़र तय करके, तो मैं इतना जानती हूँ कि सुशांत बहुत समझदार हैं जो करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं और इमोशनल भी हैं. और इसलिए मैं कहूँगी कि उनके मैटर में मैं बोला नहीं, आई मीन आई थिंक वी शुड नॉट. या आई थिंक मेरा बस ये है कि सोमी ने बहुत अप्रिशिएट किया दीपक एंड श्री दोनों को, और श्री ने बहुत ख्याल रखा, दीपक ने भी बहुत ख्याल रखा. तो एज अ ह्यूमन बींग बोथ ऑफ देम आर लाइक वेरी नाइस. सो सोमी का जो इवेंट था बहुत अच्छा. आई थिंक आप सबने कहीं ना कहीं सुन भी, आप सबने कहीं ना कहीं सुन भी लिया, आप सबको पता चल गया है वो चीज़ क्या है क्या नहीं है. और बेहतर है कि आप उनसे ही डायरेक्टली फिर पूछ लें इस बारे में.